नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसबीएन 9 न्यूज। कभी यूपी बिहार वाले बयान पर घमासान मचता है तो कभी चारा घोटाले को लेकर घमासान मचता है। कभी प्रियंका गांधी लालू यादव का समर्थन करती हैं तो कभी प्रशांत किशोर नीतीश कुमार का समर्थन करते हैं। इस बीच में नया मामला सामने ये आया है कि नीतीश कुमार ने प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस को नासमझ बता दिया। इस मुद्दे को लेकर आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ ही दिन पहले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने यूपी और बिहार वाला एक बयान दिया, उसके बाद तमाम विपक्ष के लोगों ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला किया और साथ ही पटना में इसको लेकर एफआईआर दर्ज भी हो गया। यहां तक कि बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने साफ शब्दों में ये कहा कि उनकी गिरफ्तारी की मांग की उन्होंने। लेकिन इस बीच में फिर प्रियंका गांधी ने सफाई दी और उसके बाद जो सफाई दी नीतीश कुमार पर उन्होंने जो हमला बोला, उन्होंने ये भी कहा कि आज सरकार के खिलाफ जो सवाल खड़े कर रहे हैं, जो उनकी नीतियों के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे हैं, बीजेपी सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है। यानी इसको सीधे सीधे ये समझा गया कि प्रियंका गांधी लालू यादव का समर्थन करते नजर आई चारा घोटाले को लेकर। उसके बाद नीतीश कुमार आज जो है इसी चीज को लेकर प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस को बताया कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आखिर कांग्रेस पार्टी ऐसा नासमझ भरा बयान कैसे दे सकती है। देखना यही होगा कि नीतीश कुमार के इस बयान पर अब प्रियंका गांधी क्या पलटवार करती हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं एसबीएन 9 न्यूज़। नमस्कार।